बिल्कुल सर। सर आपने बहुत अच्छे ढंग से मुझे समय के बारे में बताया, सोच के बारे में बताया। सर मैं भी इस काम को करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है सर कि मैं जॉब करता हूँ जिसकी वजह से सर मुझे अभी 12-13 हज़ार रुपये निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं जोगेंद्र सैनी जी, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। आज के टाइम की एक आम आदमी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी आज से कुछ समय पहले, जब मेरे अपलाइन मेरे पास आए थे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने मुझे समझाया था, तो मुझे भी सब चीज़ें अच्छी लगी थी, लेकिन मेरा सवाल यही था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन सर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, महिपाल जी ये बात बताओ कि आपके पास पैसे नहीं है और आप नौकरी किए जा रहे हो। सर मैं उस टाइम पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा था। उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझे समझाई और कुछ ऐसी बातें बताई जो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, और वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला, सर कितने साल से नौकरी हो? मैंने बोला 10 साल से। फिर एक छोटा सा सवाल था कि सर 10 साल से नौकरी कर रहे हैं उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले 10 साल के बाद हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा? सर मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया था। उन्होंने मेरे को पैसे के महत्व के बारे में बताया कि जिंदगी के अंदर हर काम पैसे की वजह से होता है। जिंदगी की डेली दिनचर्या हो, चाहे हमारे शौक हो, चाहे जरूरतें हो, वो पैसे से ही पूरी होती है। तो सर उन्होंने बताया कि कल आपका बच्चा अगर बड़ा बनना चाहता है, बड़ी नौकरी करना चाहता है, और आज के टाइम में ऐसा है कि बड़ी नौकरी बड़ी जगह जाने के लिए आपको करोड़ों रुपए डोनेशन भी देना पड़ता है, तो मुझे बताया कि मेरा बच्चा बड़ा बनना चाहता था, बड़ा बन सकता था अगर मेरे पास करोड़ों रुपए का अरेंजमेंट होता तो, लेकिन इस वजह से अगर मेरा वो बच्चा कल को एक सामान्य नॉर्मल नौकरी करे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक गलती की वजह से, मेरी कुछ कमी की वजह से मेरा बच्चा जो जिंदगी में बहुत बड़ा बन सकता था, बहुत बड़ा नाम कर सकता था, आगे जा सकता था, वो बड़ा नहीं बन पाया, क्योंकि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यही कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मैं सोचने पे मजबूर हो गया। ये मेरे दिल में एक दर्द उठा और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि महिपाल तू क्या कर रहा है, पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा है और उसके बाद भी बोल रहा है पैसे नहीं है। क्योंकि सर एक चीज मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक दर्द को मिटाने के लिए दूसरा दर्द तो लेना पड़ता है। जैसे कि आपके कभी पैर में कांटा लग गया, तो जोगिंदर सैनी जी आप मुझे ये बताइए कि आप पूरी उम्र लंगड़ा के चलना पसंद करेंगे या कांटे को निकालना पसंद करेंगे? हर आदमी निकालना पसंद चाहेगा। यस सर, और मैं भी निकालना ही चाहता था, और मुझे जरूरी है, हर आदमी को पता है कि एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभोना पड़ता है। और अपनी जिंदगी में हम लोगों ने पूरी उम्र एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट की हमारी आदत पड़ चुकी है, और एक कांटा अगर निकालना तो दूसरा कांटा जैसे निकालना लगाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी के अंदर मुझे पैसे की प्रॉब्लम खत्म करनी है। तो आज दोबारा से मुझे ये 12-13 हज़ार रुपए का असली पीएस के माध्यम से पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया, मैंने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लेके अरेंजमेंट करके मेरी जिंदगी भर के इस कांटे को निकालने के लिए उस पैसे का अरेंजमेंट किया। और सर आज रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1.5 साल पहले शुरुआत की थी, आज 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग मुझे उस कांटे को निकालने की वजह से हो चुकी है। आज लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है। आज मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार में कभी पैसे की जरूरत की प्रॉब्लम होती है, मुझे यह कहना नहीं पड़ता कि मुझे आज पैसे की प्रॉब्लम है। तो आप और हम जोगिंदर सैनी जी एक बार एडजस्ट करने की जरूरत है, एक बार आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। यह डिसीजन आपको एडजस्ट करवाएगा कि आपके सोच के साथ आपके परिवार और बच्चों की सोच लगी हुई है कि हमारी कुछ ना करने की वजह से कल हमारे बच्चे अगर बड़े नहीं बन पाए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये सारी चीजें मेरी साथ में आप समझने की वजह से आप जरूर पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, जो डिसीजन लेंगे और हम मिलकर शुरुआत करेंगे। तो क्या जोगेंद्र सैनी जी पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है? तो सर बिल्कुल सीरियस होके आप डिसीजन लीजिए, मिलके हम शुरुआत करेंगे, और ये पैसे नहीं है कि प्रॉब्लम आज के बाद में पूरी जिंदगी भर के लिए खत्म कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर। सर आपने अच्छे ढंग से समझाया, समय के बारे में, पैसे के बारे में, सोच के बारे में। कहीं ना कहीं सर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैं करना भी चाहता हूँ सर।